सो हे एंड व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग मीवी की तरफ से आने वाले एक नए ब्लूटूथ ईयरबड्स की, जो कि है मीवी डुओपर्स F30। ये ईयरबड्स आपको लगभग 1000 रुपये में देखने को मिल जाते हैं और ये आप फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो। इसका जो बेस्ट बैंक लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो में इसका एक गिव अवे भी होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, सो लेट्स गेट स्टेट इन टू द वीडियो। बॉक्स को देख लेते हैं। बॉक्स पे सबसे पहले हमें इसकी एक फोटो देखने को मिल जाती है और इसके जो मेन फीचर्स हैं जैसे फास्ट चार्जिंग, पावरफुल बेस, मेड इन इंडिया, ये सब देखने को मिल जाता है। एंड 1 ईयर की लिमिटेड वारंटी आपको इसमें देखने को मिलती है एंड एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बेस वाले 10mm के ड्राइवर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। क्या ये असली में इतना अच्छा साउंड क्वालिटी प्रोवाइड कर पाते हैं ये नहीं, ये इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो फटाफट से इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक वेलकम टू द क्रू वाला कार्ड है और उसके बाद एक वारंटी रजिस्ट्रेशन का कार्ड है जिसके थ्रू आप वारंटी रजिस्टर कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाती है जिसको ऑब्वियसली आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हो। तो इसे मैं साइड में रख देता हूँ और उसके बाद हमें देखने को मिल जाता है हमारा मेन केस जिसके अंदर हमारे मीवी डुओपोड्स F30 रखे हुए हैं। इसको मैं एक बार साइड में रखता हूँ और बॉक्स के दूसरे कंटेंट्स को देख लेते हैं। तो इसके साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आप अपने कान के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो एंड एक टाइप सी चार्जिंग केबल भी देखने को मिल जाती है जो कि मुझे काफ़ी एक सही चीज़ लगी क्योंकि 1000 रुपये के प्राइस रेंज में काफ़ी ऐसी कम कंपनीज हैं जो कि टाइप सी चार्जिंग प्रोवाइड कर रही हैं आपको एक ब्लूटूथ ईयरबड्स में। तो कुछ इस तरह से ये बॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बैक साइड की मैं बात करूँ तो यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग का सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है और अगर इसकी केस की क्वालिटी की मैं बात करूँ तो मुझे ठीक ठाक सी क्वालिटी लगी केस की, बिकॉज थोड़ा प्लास्टिक की फील में है और प्लास्टिक थोड़ा सा हल्का है तो काफ़ी एक लाइट वेट ऑप्शन भी है आपके पास, लेकिन थोड़ी सी मुझे कम क्वालिटी लगी। इसको मैं खोलता हूँ फटाफट से। अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं हमारे दोनों ईयरबड्स, तो ये कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इन ईयरबड्स को मैं एक बार केस में से बाहर निकाल लेता हूँ। केस में से बाहर निकालने के बाद कुछ इस तरह से ईयरबड्स हमें देखने को मिलते हैं। मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर इसलिए ऑर्डर किया बिकॉज व्हाइट कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ईयरबड्स के केस में। बॉक्स को एक बार देखें तो 4 डॉट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिसमें LED इंडिकेटर्स हैं और वो आपको बैटरी परसेंटेज इंडिकेट करते रहेंगे। लेफ्ट और राइट यहाँ पर लिखा हुआ है एंड चार्जिंग पिन्स भी यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं हर ईयरबड्स के नीचे। तो बात करते हैं हमारे मेन ईयरबड्स की। तो ये जो ईयरबड्स हैं काफ़ी ज़्यादा हल्के हैं वेट में और काफ़ी छोटे भी हैं साइज़ में। फिटिंग की मैं बात करूँ तो इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिटिंग है बिकॉज अगर आप जॉगिंग करते हो, रनिंग करते हो या फिर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके कान से इजीली स्लिप नहीं होंगे, चाहे स्वेटिंग हो वहाँ पे या फिर नॉर्मल कंडीशंस में भी आपके कान से इजीली स्लिप नहीं होने वाले हैं। सो दैट्स अ रियली गुड थिंग। नीचे की तरफ देखें तो इसमें माइक्रोफोन प्रोवाइडेड है और ऊपर चार्जिंग पिन्स हैं। तो इसमें आपको टच कैपेसिटी बटन भी देखने को मिलता है, वो आप किस तरह से ऑपरेट कर सकते हो मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो फटाफट से मैं इसको अपने स्मार्टफोन में एक बार कनेक्ट कर देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो और उसके बाद मैं आपको इनकी साउंड क्वालिटी के बारे में, इसके टच कैपेसिटी बटन्स के बारे में बता देता हूँ। तो स्मार्टफोन से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में ब्लूटूथ को टर्न ऑन कर लेना है। ब्लूटूथ टर्न ऑन करने के बाद नीचे अवेलेबल डिवाइसेस में जाना है। थोड़ी देर आप वेट करोगे तो ये जो मीवी डुओपोड्स F30 है ये ऑटोमेटिकली लिस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर मीवी डुओपोड्स F30 लिखा आ चुका है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये 3 या 4 सेकंड के अंदर पेयर हो जाता है। अभी मैं आपको NCS की एक वीडियो जो है वो इसमें चला के दिखा रहा हूँ। अभी एक ऑब्वियस सी बात है कि मैं यहाँ पर जो सॉन्ग प्ले करूँगा और अगर आपको उसकी साउंड सुना भी देता हूँ तो आपको कुछ आइडिया नहीं लगेगा कि किस तरह से इसकी साउंड है इन ईयरबड्स की। तो मैं यहाँ पर आपको जस्ट इनके बटन्स के बारे में बता देता हूँ कि किस तरह से इनके टच कैपेसिटी बटन्स काम करते हैं और साउंड क्वालिटी मुझे इसकी कैसी लगी वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता देता हूँ। तो टच कैपेसिटी बटन्स की बात करूँ तो मैंने लेफ्ट वाला बड यहाँ पर लिया हुआ है और अगर मैं इसमें एक बार प्रेस करता हूँ तो ये जो सॉन्ग है ये पॉज हो जाएगा, ये जो वीडियो है ये पॉज हो जाएगी। इसको मैं दोबारा प्रेस करूंगा अगेन ये प्ले होनी शुरू हो जाएगी। दोबारा पॉज करने के लिए मुझे इस पर दोबारा एक बार टैप करना होगा एंड अगर मुझे नेक्स्ट सॉन्ग या नेक्स्ट वीडियो पे जाना है तो मुझे डबल टैप करना होगा राइट वाले ईयरबड पे, तो उससे आप नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में स्किप हो सकते हो। तो इस टाइम मार्केट में काफ़ी कम ऐसे ईयरबड्स हैं जिनके अंदर आपको वॉल्यूम कंट्रोल देखने को मिलता है। इवन मीवी के जो पिछले महंगे वाले ईयरबड्स हैं उनमें भी कुछ में नहीं था, बट मीवी डुओपोड्स F30 के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम कंट्रोल देखने को मिल जाता है जो कि मुझे लगा काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है बिकॉज वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए आपको हर बार अपने स्मार्टफोन पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता था। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको वॉल्यूम डिक्रीज करनी है तो लेफ्ट वाला जो टच कैपेसिटी बटन है उसको दबा के रखना 2 सेकंड्स तक आप उसको होल्ड करके रखोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। द सेम गोज विद राइट ईयरबड, अगर आप सिमिलरली उसको भी 2 सेकंड्स तक टच करके रखते हो तो आपकी वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लग जाएगी। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर लगा जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस वाले जो ईयरबड्स होते हैं उसमें भी प्रोवाइडेड नहीं होता, बट ये 1000 रुपये के ईयरबड्स हैं इनमें आपको फीचर देखने को मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में। तो मुझे इसकी साउंड क्वालिटी कैसी लगी,
सबसे पहले अगर मैं बेस की बात करूं, सुपर बेस है, बेस में कोई इशू नहीं है, बेस काफी ज्यादा अच्छा है इन ईयरबड्स का। जहां मुझे दिक्कत लगी वो पॉइंट ये था कि इसमें आपको जो ट्रेबल्स हैं वो इतने अच्छे से एडजस्टेड नहीं मिलते, एंड जो क्लैरिटी है साउंड की वो इतनी ज्यादा कुछ खास नहीं है। मतलब एक नॉर्मल डिसेंट सी साउंड आपको देखने को मिल जाती है, जो कि मुझे लगता है 1000 रुपये के प्राइस रेंज में सही है। एंड स्टिल ये जो क्लियर साउंड वाला इशू है ये मोस्टली इस प्राइस रेंज के ईयरबड्स के साथ रहता ही है। अगर आप किसी हायर प्राइस रेंज के ईयरबड्स लेते हो, मतलब 2-2500 तक के लेते हो, आप मीवी डुओ पर ZMAT का ही एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अगर वो वाला ईयरबड हम लेते हैं उसमें साउंड क्लैरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट सेम वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस आ जाता है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रख के चलनी पड़ेगी कि अगर आप कम वैल्यू पे कर रहे हो तो आपको उसी टाइप की साउंड क्वालिटी मिलेगी, और स्टिल इस 1000 रुपये के ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। एंड टॉकिंग अबाउट द बैटरी, लगभग 4-5 घंटे तक की बैटरी लाइफ इसकी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंड चार्जिंग में तो बहुत कम टाइम लेता है, लगभग 20-25 मिनट के अंदर आपका पूरा केस जो है वो चार्ज हो जाएगा, इंक्लूडिंग द ईयरबड्स, अगर ईयरबड्स अंदर प्लेस्ड हैं तो। और अदरवाइज अगर आप सिंपल केस को चार्ज करते हो तो 15 मिनट लगते हैं मुश्किल से, केस पूरा चार्ज हो जाता है। तो बात कर लेते हैं इसके गिव अवे के बारे में। सो अगर आपको इसका गिव अवे जीतना है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा इस चैनल को। तो इन्हीं कुछ स्टेप्स के थ्रू आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और जितने भी पेंडिंग गिव अवे के रिजल्ट्स हैं 5K सब्सक्राइबर्स पर सभी रिजल्ट्स जो हैं वो अनाउंस हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, डू लाइक द वीडियो, शेयर कर देना इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, और कर देना सब्सक्राइब इस चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।